लॉ नगरी जमशेदपुर में राजनीतिक पारा के साथ जो है भगवान का भी तापमान बढ़ता जा रहा है। गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में लोग गन्ने का रस लेने के लिए सड़क किनारे खड़े हैं। देखिए किस तरह से गन्ने वाले गन्ने का रस निकाल रहे हैं। इससे लोग के को ठंडक मिलेगा और यही ठंडक लेकर के लोग अपने जीवन में अपने कार्यों में जुटे हुए हैं। गन्ने वाले हैं, ये मेहनत कर रहे हैं सड़कों पे। हालांकि ये भी एक वोटर है, जमशेदपुर का ये लोकसभा क्षेत्र का ये स्टेशन एरिया है जहां लोग खड़े हैं गन्ने का रस पीने के लिए। कारण साफ है, तापमान काफ़ी बढ़ रहा है, वैसे राजनीति का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। भैया आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम लोग बिष्टुपुर से आ रहे हैं, अभी करंडी में घर है, करंडी जा रहे हैं। इस दौरान देख रहे हैं कि जमशेदपुर में कुछ राजनीतिक माहौल दिखाई पड़ रहा है? जी जी हाँ, वो तो है। अभी राजनीतिक माहौल गर्म है, अभी जैसा एमपी का चुनाव हो रहा है, सांसद का चुनाव जो हो रहा है, तो इसमें सारे पार्टी तो राजनीतिक पार्टी अपना लगे हुए हैं और ये दो टर्म से विद्युत वरण वहाँ तो जो भाजपा के जो सांसद है यहाँ पर है, लेकिन अभी एक बदलाव देखा जा रहा है पूरा देश के स्तर में। एक चर्चा हो रहा है कि जो अभी जो नेशनल अलायंस है उस पर लोग इंडिया गठबंधन पर लोग भरोसा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको भी लगता है कि इंडिया गठबंधन ठीक ठाक है, मौका दे देना चाहिए? बिल्कुल मौका देना चाहिए। लगता नहीं है कि ये संविधान बदलने वाली जो बातें हैं ये राजनीतिक स्टैंड कुछ हो सकता है, लोगों को गुमराह करने का बड़ा साजिश हो सकता है? गुमराह तो नहीं, ये लोग तो करेंगे, इसलिए तो वो लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं ना कि 400 पार करेंगे तो वो लोग अपने इच्छा मुताबिक सब कुछ बदल देंगे। तो मोदी की गारंटी और 400 पार के नारे से लोगों के अंदर एक डर है और इसी डर के कारण वो इंडिया गठबंधन पे भरोसा दिखा रहे हैं। कुछ और लोग हैं भैया, कहाँ काम करते हैं? टाटा स्टील। मेहनत बहुत ज़्यादा है कंपनी के अंदर काम करने में? हाँ मेहनत तो है। राजनीति करने में कितना मेहनत है, कैसे देखते हैं आप प्रत्याशियों को? मोदी का सिवा कोई नेता नहीं है वर्ल्ड में। क्यों? उसका काम है, उसका जज्बात है देश का प्रति, उसका देश को कैसे सुरक्षा रखना। मोदी ऐसा नेता नहीं, हम मोदी का नाम में वोट करेंगे। क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। अच्छा, सब्जी बेचते हैं, कितना बेच लेते हैं आप? 200-300 कमाई होता है। कितना मेहनत होता है? मेहनत तो 15 घंटा बहुत है। चुनाव चल रहा पता है आपको, कैसे देख रहे चुनाव को आप? हम लोग तो बढ़िया से देख रहे। कौन जीतेगा, क्या उम्मीद? हवा किधर है? हवा तो मोदी का, मोदी का है। अरे जो महागठबंधन जिनमें अपना प्रत्याशी दी है वो क्या करेगा? नहीं जीतेगा? जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है। मैंने आप मोदी के तरफ? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। लोग चाहते हैं कि मोदी केंद्र में रहे, मगर जो लोकल सांसद है वो क्षेत्र के लोगों को खासा निराश कर चुके हैं। लोग चाहते हैं कि सांसद उनके क्षेत्र में घुसे, जबकि वो सांसद जो जमशेदपुर में लगभग 10 वर्ष सांसद रहे और ये तीसरा टर्म जो है जीतने के लिए वो मैदान में उतरे हैं, उसके बावजूद लोगों की शिकायत है कि क्षेत्र में सांसद नहीं आते हैं और क्षेत्र की जो मूल समस्याएं हैं पानी बिजली जैसे सुविधाएं हैं वो नगण्य है, इससे लोग नाराज हैं। और शायद यही कारण है कि लोग बदलाव की ओर अपना एक कदम बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मगर देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में जब 25 मई को मतदान होगा तो लोग किस ओर मतदान करते हैं, कारण कि मतदान में भी लगभग 7 से 8 दिन बचा है और जो राजनीति की हवा है वो पल पल बदलती है। इस 8 दिनों में कितना बदलेगी ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।